हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड मतलब कि HIPP की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट लैक्स में नंबर्स दिए गए, क्वार्टर एंडेड और हाफ ईयर एंडेड दोनों के रिजल्ट। पहले क्वार्टर एंडेड कवर करते हैं। इनकम 399 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 205 करोड़ था। सितंबर 21 क्वार्टर में 236 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। एक्सपेंसेस कंपनी का 342 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर 199 करोड़ था। सितंबर 21 क्वार्टर में 215 करोड़ का एक्सपेंस हुआ खर्च हुआ था। तो कंपनी का इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रहा है। बट यहाँ प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट्स 42 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ था। सितंबर 21 क्वार्टर में 15 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। EPS 141.82 रुपीज़ का है, पिछले क्वार्टर पिछले साल के कंपेयर में तेजी आया है। तो यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार पेश किए कंपनी ने। अगर हम यहाँ पे हाफ ईयर एंडेड की बात करें, 605 करोड़ का इनकम है, जबकि प्रीवियस ईयर में 509 करोड़ था। सितंबर 20 जो कि पिछले साल के कंपेयर में इनकम में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 542 करोड़ का, पिछले साल 462 करोड़ था, जो कि इसमें भी तेजी देखने को मिला। इनकम के अकॉर्डिंग खर्च बढ़ा है इस बार। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है 47 करोड़ का है, पिछले साल यहाँ पे 35 करोड़ था, जो कि यहाँ पे पिछले साल से कंपेयर में यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। EPS 46.66 रुपीज़ का है, पिछले साल से तेजी आया हुआ। यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी का फिनेंशियल रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया है। तो अब हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।